शुभ सकाळ आज दिनर पंचांग आज श्री श्वेतवराह कल्पर वैवस्वत मन्वंतर द्वितीय परार्ध दक्षिणायन शरत ऋतु भाद्रव मास कृष्ण पक्ष तृतीय तिथि बुधवार चुकाब्द 5123 विक्रम संवत 2078 अगस्त मासर 25 तारीख आज दिन टी समस्त मंगलमय हो ईश्वर निकटरे विनम्र प्रार्थना। अधिक ज्ञान आहरण तथा नुआ अभिज्ञता लाभ पाई उत्सुक जने शिष्य से दिन गुरु को कौतूहली होई पचारिथिले गुरुदेव पूजा उपासना रे एबे आउ मन लागुनाई बारंबार चेष्टा करी मु हारी जाउछि निजठारे निष्ठा एकाग्रतार अभाव मु अनुभव करुछि यहार किछि हेले प्रतिकार करी मते मार्गदर्शन करांतु। गुरुदेव गंभीर दृष्टि रे शिष्य आडु को नै कहितिले वत्स तुम्हें ठीक कथा कहिछ शिष्य दुर्बलता जानिथिबा गुरु से समान कथा कहिथिले मोर मध्य एठारे आउ ध्यान धारणार मन लागू नाही नुआ जगह को जाय साधना करिबा कथा मु भावुछि किछि क्षण परे पुनः कहिथिले काली प्रभातरे ही एही स्थान छाड़ी चली जिबा। प्रभातरे गुरु शिष्य दुहें से स्थान छाड़ी अन्यत्र यात्रा आरंभ करिथिले गुरुंक हातरे थिला कमंडलु शिष्यंक कांधरे थिला झुलाटिए से झुला भितरे शिष्य दरकारी द्रव्य सबकु रखिथिले गुरु सकल प्रकार मानसिक उद्वेलन मुक्त थिले तेणु खुशी मनरे चली थांती शिष्यंक ठारे किंतु विपरीत भाव परिदृष्ट होतिला से अत्यंत सतर्कतार सह झुला को सजतन रे धारण करी सावधानतार सहकारे चलु थांती उभय एक वृक्ष छायारे विश्राम करिथिले रात्रि रे सिंदूरा फाटला बेळकु दुहे यात्रा आरंभ करिथिले अल्प बाट गला परे मार्गरे एक कुओ पड़िला दुहें तृषा निवारण पाई पानी पीते किछि समय उतारु शिष्य शौच निमंते निज इच्छा व्यक्त करिथिले अति सावधानतार सह शिष्य झुलाटी को गुरु निकटरे रखी शौच निमंते गले किछि दूर को शौच निमंते जीवा समय रे बारंबार पछक फेरी चाहथांती दृष्टि तांकर थिला रखिथिबा झुला आड़े चतुर शिष्य मने मने भावुथांती गुरु तांकर भावांतर लक्ष्य करुनाहांती गुरु किंतु यह लक्ष्य करुथांती शौच होई फेरिबा समय रे हठात शिष्य झप करी एक जोर आवाज सुनिबा को पाइथिले ताहा थिला एक ओजनिया वस्तु पानी रे पड़िबार शब्द सेही शब्द सुनी शिष्य क्षिप्र गति रे गुरुंक निकट को चली आसीथिले गुरुंक निकट को आसी आग झुला दरांडीबारे लागिले झुला देखि तांकु सब अंधार देखा जाइथिला हताशा भरा स्वर रे कहिथिले गुरुदेव एही झुला भितरे सुनाईटा टिए थिला एहा कुआडे गला गुरु शांत स्वर रे कहिथिले कुआरे चली गला एबे आमे मध्य एठारु चली जिबा जेउठु आसीथिले सेइठा को जिबा समस्या रे छंदी होई तुमे अन्य मनस्क हेबा नाही एबे तुमर ध्यान धारणा रे आउ बाधा उपजिबो नाही कारण आसक्तिर शेष प्रतिकटि मध्य शेष होई जाइछि। गुरुंक ठारु यहा शुणी शिष्यंक अंतरर आसक्तिर पर्दा हटि जाइथिला दूर होई जाइथिला मोह परळ।